हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तृप्तीश ब्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तिल लड्डू का रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड टेस्टी होता है। तो चलिए बनाते हैं। सो गाइस, ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल लिया है, आप चाहे तो ब्लैक तिल भी ले सकते हो। और यहाँ पर मैंने 500 ग्राम के करीब तिल लिया है और हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है तब तक जब तक इसका मॉइस्चर निकल जाए ना जाए। सो चलिए इसको ड्राई रोस्ट करते हैं। तो मैंने कढ़ाई ले लिया है चूल्हे पे, और कढ़ाई गर्म हो जाने पे हम तिल को डालेंगे। सो ये देखिए, ये मैंने 200 ग्राम के करीब गुड़ लिया है और इसको हमने कद्दूकस कर लिया है। अभी हम तिल जो है उसको ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इसके जो मॉइस्चर है सारा निकल जाए। तिल को हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा क्रिस्पी ना हो जाए और थोड़ा सा लाइट गोल्डन टाइप का दिखे। तो देखिए ये धीरे धीरे गोल्डन हो रहा है और आप देख सकते हैं ये अभी गोल्डन हो गया है। मैं आपको हाथ से निकाल के दिखाती हूँ, देखिए। और आप इसको थोड़ा सा खा के देखिए, या आपको थोड़ा सा क्रिस्पी टाइप लगे तो समझ लेना कि ये हो गया है। तो अभी हम इसको साइड में निकाल के रखते हैं, फिर हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। तो देखिए हमने इसको साइड में निकाल लिया है। अभी हम कढ़ाई में पानी ले लेते हैं और इसमें हम डालेंगे गुड़। फिर हम गुड़ को अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक कि ये मतलब चाशनी टाइप का ना बन जाए, इसका सिरप जो है वो बन जाए, तब तक हम इसको चलाएंगे। तो गुड़ को आप चलाते रहे। तो देख सकते हैं गुड़ जो है हमारा वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगा है और इसे अच्छे से मिलाते रहना है हमें। गुड़ को छोड़ा नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगा। तो आप इसको अच्छे से धीरे धीरे हल्के हाथों से चलाते रहें जब तक कि ये पूरे अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। सो गुड़ को हमें ठीक कंसिस्टेंसी में लाना है, देन हम इसमें ऐड करेंगे तिल। तो देखिए हमारा जो ये गुड़ है वो अच्छे से रेडी हो गया है। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं और इसको हम अच्छे से चला लेंगे। फिर हम ये रेडी हुआ कि नहीं हम ये पानी में थोड़ा सा डिप करके देखेंगे। तो देख सकते हैं पानी के अंदर ये अगर जम जाए, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कुछ इस तरह का जम जाए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि आपका जगरी जो है वो अच्छे से पक गया है और लड्डू बनने के लिए रेडी है। सो हमने इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर ऐड किया है ताकि उससे खुशबू बहुत अच्छा आए। सो ये देख सकते हैं ये चाशनी जो है रेडी हो गया। अभी हम इसमें ऐड करेंगे तिल, फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो तिल डालते ही आप इसको तुरंत अच्छे से मिक्स करें। सो अभी हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे और मिक्स कर लेंगे। सो देखिए तिल के साथ गुड़ अच्छे से मिक्स हो गया है। सो अभी हम इसको थोड़ा सा और ठीक होने तक पकाएंगे। सो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। और हमने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था गाइस। तो ठंडा मतलब पूरा ज़्यादा ही ठंडा नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल गर्म रहे। अगर गर्म रहे तभी आप इसको लड्डू बना पाएंगे, अगर ये पूरा ठंडा हो जाएगा तो नहीं बन पाएगा। तो हमने हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लिया था, देन हम इसको बना रहे हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है तो आप लोग ग्लव्स के हेल्प से भी बना सकते हैं। और हमने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट भी ऐड किए हुए थे और वो क्लिप मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस। सो आप हाथ में पानी या तेल के लगा के ही इसको जिस शेप में चाहे आप लोग बना सकते हो, वैसे लड्डू तो गोल ही रहता है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा गाइस। सो देखिए ये हमारे लड्डू बन के रेडी हैं और दिखने में कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और वो खाने में भी उतने ही हेल्दी होते हैं। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही ज़्यादा इजी होता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बन जाता है। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट स्किप कर सकते हैं पर मैंने इसमें ऐड किया हुआ है।
आई होप गाइज आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। सो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपना फीडबैक हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।